हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अफसानास और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम सभी लोगों को चाय पसंद है और चाय हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दुनिया भर में कई तरह के फ्लेवर्स की चाय मिलती है जिन्हें पीने के बाद स्वाद का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन क्या कभी आपने दुनिया की सबसे महंगी चाय की पत्तियों के बारे में सुना है? आज हम आपको दुनिया की सबसे महंगी चाय की पत्तियों के बारे में बताएंगे, जिसकी कीमत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले मैं आपको उस खास चाय पत्ते के बारे में बताऊं, मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। हम बात कर रहे हैं चीन में मिलने वाली द होंग पाओ टी की। इस चाय पत्ती का नाम दुनिया में मिलने वाली सबसे महंगी चाय की पत्तियों में शुमार है। इसकी कीमत 9 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम है। द होंग पाओ टी की खेती चीन के फुजियान के वुइसन इलाके में की जाती है। इस चाय पत्ती के कई सारे लाभकारी गुण हैं जिसे शायद ही आप जानते होंगे। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इसको जीवन दयनीय भी कहा जाता है। हमारे लिए जीवन दयनीय है आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स। तो नीचे कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप जाकर वहां अपने विचार प्रकट करें और साथ ही साथ आप हमें नए नए वीडियो के लिए भी आइडिया दें। सो प्लीज़ गाइस, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ ही में कमेंट्स करें। कई प्रकार की गंभीर बीमारियां इसके सेवन से ठीक होती है। खेती के दौरान द होंग पाओ की पत्तियों की पैदावार काफ़ी कम मात्रा में होती है और इसकी पत्तियां दुनिया में काफ़ी दुर्लभ भी है। यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते इस चाय पत्ते की कीमत 9 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम है। इस चाय पत्ते की खेती विशेष तरह से की जाती है जिसमें मेहनत और ध्यान दोनों ही लगता है। द होंग पाओ टी की पत्तियों के इतिहास पर गौर करें तो इसकी खेती की शुरुआत चीन के मिंग शासन के समय में शुरू हुई थी। चीनी लोगों का कहना है कि उस दौरान मिंग शासन की महारानी अचानक बीमार हो गई थी। उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और महारानी के बचने की संभावना काफ़ी कम थी। उन पर किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्हें द होंग पाओ चाय पीने के लिए कहा गया। उन्होंने इसे पिया और पीने के कुछ ही दिनों के बाद वह ठीक हो गई। महारानी के ठीक होने के बाद राजा काफ़ी खुश हुए और उन्होंने आदेश दिया कि इस खास तरह की चाय की पत्तियों की खेती की जाए। राजा के लंबे चौंगे के नाम पर ही इस चाय पत्ती का नाम द होंग पाओ पड़ा। मान्यता है मिंग शासन से ही इस चाय पत्ती की खेती होती आ रही है। आज कई लोग इस चाय पत्ती के 10 से 15 ग्राम खरीदने के लिए लाखों रुपए चुकाते हैं। और आप इस चाय पत्ती के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको अगर मौका मिले तो आप इस चाय पत्ती के जायका का सेवन करना चाहोगे? या मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए।